नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां एक बार फिर घूसखोर पुलिसकर्मी लोकायुक्त की गिरफ्त में आया है। यह कार्रवाई एक बार फिर गोविंदगढ़ थाने में की गई, जहां एक बार फिर थाना प्रभारी और दो घूसखोर आरक्षक पुलिस की गिरफ्त में आए। इस कार्रवाई में 6,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने थाना प्रभारी के साथ वसूलीबाज दो आरक्षकों को धर दबोचा है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता मनीष कुमार पटेल निवासी रामपुर के जिला सीधी के वाहनों की एंट्री के अवज में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, निरीक्षक थाना गोविंदगढ़ प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह गोविंदगढ़ और आरक्षक राजकुमार के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। वहीं पुलिसकर्मियों से परेशान वाहन मालिक ने घटना की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी, तो लोकायुक्त पुलिस एसपी ने टीम को गठित कर सत्यता की जांच कराई और रविवार की सुबह ट्रिप कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रवीण कुमार और 20 सदस्यों की टीम ने की है। आपको बता दें कि इसके पहले भी गोविंदगढ़ थाना के थाना प्रभारी और विवेचक को लोकायुक्त पुलिस अपना शिकार बना चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि लोकायुक्त पुलिस के शिकंजे में चौराहा थाने में पदस्थ आरक्षक भी पकड़ा गया था, जिसने थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी के नाम से रिश्वत की मांग की थी, लेकिन थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ आरक्षक को आरोपी बनाया गया था। खैर जो भी हो, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की इन दिनों जमकर प्रशंसा हो रही है, जिनके द्वारा किसी भी घूसखोर को बख्शा नहीं जा रहा है। एक बार फिर से थाना प्रभारी का पकड़ा जाना ये साबित करता है कि जिले में जमकर घूसखोरी चल रही है और ये घूस थाना पाने के लिए ऊपर तक अपने आकाओं तक पहुंचाई जाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।